हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजना और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है मालपुए, और जो कि बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो ये मैं बताने वाली हूँ। बता दूँ आपके लिए मैंने इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट लिया है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ आप देख ही रहे होंगे, यहाँ मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया है, एक बाउल मैदा ले लिया है फुल, और आधा बाउल छोटी कटोरी से चीनी ली हुई है मैंने। यहाँ मैं दिखाती हूँ, यहाँ मैंने लिया चीनी, और यहाँ लिया है हाफ बाउल सूजी, और यहाँ ले लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ कुटी हुई इलायची, और दो बनाना, और हाफ टोन मिल्क। और अब मैं जो करने जा रही हूँ, मैंने ले लिया बनाना बाउल में और दूध, इन दोनों को ब्लेंड कर लूँगी मैं, ये देखिए। और इसमें थोड़ा दूध और ऐड करूँगी मैं ताकि मेरा बैटर उस पर कम्प्लीटली घुल, मतलब उसमें घोल सकूँ मैं उसको, इतना दूध ले लूँगी मैं। और अब मैं इस बैटर को तैयार करने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने ले लिया एक बड़ा बाउल ले लिया है, और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा दूध इसमें और ऐड कर लिया है। आपका हाफ टोन मिल्क इसमें कम्प्लीटली लगने वाला नहीं है, उसमें बचेगा, और जितना लगेगा आपको कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसको ऐड करना है, ज़्यादा पतला ना हो जाए बैटर आपका। यहाँ मैंने बाउल में ले लिया है मैदा, ये सूजी, और ये ले लिया मैंने चीनी। जो भी सामग्री है मैं इससे पहले मिला लूँगी अच्छी तरीके से, इसको डाल दूँगी मैं सबको। ये मेरी कुटी हुई इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, इलायची पाउडर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो वो इलायची थी मैंने इसलिए उसे कूट लिया है डालने के लिए इसमें। अब मैं बैटर को घोलूंगी उसी दूध के साथ, और ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी लंप नहीं बनाना, हमें बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है इसे स्पून से, तो बहुत ही अच्छी तरीके से। आप चाहे तो इसे कलछी से भी मिला सकते हैं, और चाहे तो स्पून से भी, आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे मिलाइए, पर बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, ध्यान रखिए लंप ना बने बिल्कुल भी। और मैं इसमें बिल्कुल भी लंप नहीं बनने दूंगी बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसे घोल लूँगी। यह आप भी ध्यान रखिएगा कि जब आप घोलेंगे इसे तो काफ़ी अच्छी तरीके से फेंटेंगे बैटर को, ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप ना बने, गांठे ना बने बिल्कुल भी। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से इसे मिला लूँगी। यहाँ देखिए आप कितना अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है, इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, अगर ज़्यादा पतला कर देंगे आप तो जब आप पुए बनाएंगे कढ़ाई में तेल डाल के, तो वो पुए फटने शुरू हो जाएंगे और आपके पुए बिखर जाएंगे सारे, इसलिए आपको थोड़ा थिक ही रखना है। और बट ये अभी थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि जो इसमें सूजी है वो भी रात भर फूलेगी अभी, तो सूजी सारा जितना भी लिक्विड है इसमें दूध है वो पी जाएगी, मतलब उसको सोख लेगी अच्छे से। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें दूध और ऐड कर लिया है, और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, पहले से थोड़ी पतली हो चुकी है ये देखिए, क्योंकि रात भर जब हम इसे छोड़ेंगे इस बैटर को, तो इसमें जो सूजी है वो सूजी फूल जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक ही थोड़ा सा टाइट हो जाएगा पूरा बैटर हमारा। ये देखिए कितनी कैसी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने इसकी, पतली है। ये बैटर हमारा अब रेडी हो चुका है, और जो ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, ये मैं इसमें भी नहीं डालूंगी, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, बट मैं इसे भी पानी में भिगा के रख दूंगी ओवर नाइट के लिए,
और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे काट के या फिर क्रश करके डाल दूंगी। तो ये बटर बन चुका है, रेडी हो चुका है, इसे रात भर के लिए हम छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे, नेक्स्ट डे फ्राई करेंगे पुओ को। फ्रेंड्स यहाँ देखिए अगली सुबह हो चुकी है और यहाँ मेरा बैटर रेडी है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए हैं सारे और रेडी है। और कढ़ाई भी मैंने रख दिया गैस पे। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप देख ही रहे होंगे कैसी है, तो इसी हिसाब से आप भी रखिएगा। आप पहले एक पुए को निकाल लीजिए और उसके बाद चेक कर लीजिए खा करके और देख लीजिए आपकी मीठा सही है या नहीं है। और उसके बाद आप इसमें और भी मतलब अपने हिसाब से चीनी को और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ कढ़ाई हो चुकी है गर्म और मैं डालने जा रही हूँ इस पर। बहुत ही सावधानी से डालें और इसमें ये होता है कि आप एक बार में एक ही पुए को डाल के पका सकते हैं। वो डालेंगे तो पुए आपके सही से पकेंगे नहीं और वो आपस में चिपक सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल कढ़ाई देखिए हीट हो चुकी है, अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। और अब मैं कलछी की सहायता से, इसमें हमें कलछी चाहिए होगी और कलछी की सहायता से इस तरीके से हम डाल लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये प्रॉपरली पक जाएगा तो ये फूल जाएगा और अपने आप तेल से छूट के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये तेल से छूट के ऊपर आ चुका है, नीचे आई लेयर थोड़ी सी पक चुकी होगी इसकी। तो इसे पलट देंगे हम। और हम इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि अगर हम इसकी फ्लेम ज़्यादा करेंगे गैस की तो होगा ये कि ऊपर की और नीचे की लेयर दोनों जल्दी ब्राउनिश हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पक चुका है कितने अच्छे से, जल्दी ब्राउनिश हो जाएगी और जो अंदर का मटेरियल है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और अच्छी तरीके से पकाना है। तो लो फ्लेम पे ये होगा कि आपका पुआ जो है वो दोनों साइड से ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा और अच्छी तरीके से पक भी जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से पकाइएगा। ये देखिए मेरा पहला पुआ पक चुका है और ऐसे ही करके मैं अब मैं इसी तरह से सारे पुओं को बना लूँगी। और फ्लेम का आप ध्यान रखिएगा, फ्लेम ज़्यादा तेज़ ना करें। ये देखिए मैंने सेकंड पुआ डाल दिया इसमें पन्ने के लिए। जब कढ़ाई में आप डाल दें तो उसको छेड़े ना बिल्कुल भी, वरना वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो ऑटोमेटिक ही पकने के बाद ऊपर आ जाएगा और उसके बाद आप उसको पलट दीजिए। ये डिश बिहार की बहुत ही फेमस डिश है और इसे लोग बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। और ये मैक्सिमम होली वाले दिन हमारे घरों में बनती है। बिहार से जो लोग बिलोंग करते हैं पता होगा। इसी तरीके से मैं सारे पुए बना लूंगी। आई होप आप लोगों को डिश अच्छी लगी होगी, बनाइएगा जरूर, ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और बताइएगा जरूर कैसा बना था। और तक जाती हूँ मैं और इस तरीके से मैं इस पर गार्निश कर लूंगी इसे सब करने से पहले। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।